दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर, एक्चुअली मैं टर्मिनेशन लेटर में लिखा क्या होता है कि जब कंपनी आपको टर्मिनेट करती हैं तो उसमें लिखा क्या होता है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, टर्मिनेशन लेटर डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से टर्मिनेट किया जा रहा है। अब कई बार होता है क्या कि आपने छुट्टी ली बिना बताए, आप 5 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए, 15 दिन, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो आपको एक रिमाइंडर मेल आ जाता है कि आपका ये लास्ट वर्किंग डे है और आपको मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो एक तो ये टर्मिनेशन हो जाता है, तो वो वहाँ पे लिखा होता है कि टर्मिनेशन ड्यू टू दिस रीज़न, तो वहाँ पे टर्मिनेशन मेंशन होता है कि इस रीज़न की वजह से आपको टर्मिनेट किया गया है। एंड सेकेंड क्या होता है कि आपका मिसबिहेव, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैनेजर को गाली दे दी, आप HR से भिड़ गए, तो उस तरीके की चीज़ों में वहाँ पे लिखा होता है मिसबिहेव, ड्यू टू मिसबिहेव, तो ये हुआ, तो वहाँ पे वो मेंशन होता है ड्यू टू दिस रीज़न। एंड थर्ड क्या होता है मेरे दोस्त, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑफिस या कंपनी में जाके आपने चोरी कर ली है किसी लैपटॉप वगैरह की या डेस्कटॉप वगैरह, आप जो गैजेट्स यूज़ करते हो ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आपने वो चोरी कर लिया तो उस केस में भी लिखा होता है कि ड्यू टू दिस रीज़न। अब ऐसे मतलब मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे आपको टर्मिनेट करती है। लेकिन अगर कंपनी आपको अपने एंड से टर्मिनेट करती है, आपका कोई भी इशू नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो कंपनी वहाँ पे वो लिख के देती है कि नो नीड मैन पावर, मतलब कि उन्हें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं। तो इस वाले पॉइंट से आप कहीं भी अगर जॉब ढूंढते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड सेकेंडली दोस्त, अगर वो कंपनी आपको मैन पावर की वजह से, या वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मैन पावर कम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसकी वजह से आपको टर्मिनेट करती है तो आप कंपनी से बोल के वो लिखवा लो, जो HR हो उससे बोल के टर्मिनेशन लेटर पे ये करवा लो कि आप मुझे मैन पावर की वजह से या कंपनी में कम एम्प्लॉय रखने की वजह से आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हो, ताकि आप अगर आप फ्यूचर में जॉब खोजो या फ्यूचर में कहीं अप्लाई करो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, उस पर क्लियरली ये लिखा हो कि मैन पावर की वजह से मैं टर्मिनेट किया गया था। लेकिन और जो मैंने 2-3 रीज़न बताए, कुछ इस तरीके के अगर रीज़न होंगे ना, तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट ऐसा नहीं कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी तरीके का टर्मिनेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब ना ही मिले, जॉब आपको मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार टाइम लगता है, कई बार 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको लग जाते हैं जॉब ढूंढने में टर्मिनेशन के बाद। लेकिन अगर मैन पावर का पॉइंट मेंशन है तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता है, आपको इजीली और जल्दी जॉब मिल जाती है, अगर आपके पास नॉलेज और टैलेंट है उस लेवल का, जिस लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।